तो लोकतंत्र के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है और एक एक करके तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जब लोग जो वोटर्स हैं वो निकलकर मतदान केंद्र तक आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल में 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और आपको बता दें कि ये जो 68 विधानसभा सीटें हैं और खासतौर पर जो हिमाचल प्रदेश है, भले एक छोटा राज्य है लेकिन यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो वोटर्स हैं वो 90,000 से भी कम है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 30,000 से भी कम है, इसलिए वोट का मार्जिन भी काफी कम रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर जो कि अपने आराध्य का आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि आपको याद, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होगा कि 2017 में जब वो मुख्यमंत्री घोषित हुए थे, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल जो कि चुनाव हार गए थे उसके बाद जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया था और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले भी उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला था। फिर सजेगा चुनाव का सबसे बड़ा मंच, गुजरात अधिवेशन चलता रहा है